बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे सेशन के हम दूसरे पार्ट में मौजूद हैं। इस सेशन में हमने एक्सकॉम के मुतालिक रिव्यू कर लिया था कि एक्सकॉम क्या होता है और एक्सकॉम खास तौर पे नाउन और एडजेक्टिव के हवाले से एक्सकॉम क्या होता है वो हमने देख लिया था। अब उसके बाद हम उन जुमलों पे वापस आ जाते हैं जो सर्कुलेट हुए थे और इन जुमलों को हम किस तरह से मॉडल कर सकते हैं ये हमें देखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी पिछले सेशन इस सेशन के पहले हिस्से में कि आज हम वर्ब्स के साथ डिपेंडेंसी डिस्कस करेंगे, वर्ब के साथ डिपेंडेंसी डिस्कस करेंगे। तो पहले जुमले से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गए तो पहले कॉलम में हमारे पास नॉमिनल्स और प्रेडिकेट डिपेंडेंसीज हैं, नाउन्स की, प्रोनाउन्स की, प्रॉपर नाउन्स की, वर्ब्स के साथ डिपेंडेंसीज हैं। लेकिन अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो क्लॉजेस पर कर रहे हैं, क्लॉजेस की प्रेडिकेट के साथ डिपेंडेंसीज, यानी वर्ब क्लॉज जिसका हेड वर्ब होता है उसका मेन वाली क्लॉज से क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, यह मिसाल हमारे सामने आ गई, किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। इसके हिस्से देखें तो इसमें एक क्लॉज मौजूद है, किताबें पढ़ना। क्लॉज का मतलब यह है कि इसमें एक वर्ब है पढ़ना और उसके आर्गुमेंट्स भी हैं। यहाँ पर उसके एक आर्गुमेंट है किताबें, और ये किताबें पढ़ना खुद एक और सेंटेंस का आर्गुमेंट है, वो सेंटेंस है अच्छी आदत है। हम ये भी कह सकते हैं कि मुताला अच्छी आदत है, तो वो मुताला नाउन हो जाता और अच्छी आदत है वर्ब, अच्छी आदत है उसके साथ आ जाता तो वो मॉडल हो जाते, उस केस में मुताला एंड सब्जेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर मुताला नहीं है बल्कि किताबें पढ़ना है, तो किताबें पढ़ना एक क्लॉज है जिसका हेड एक वर्ब है, तो वो ये क्लॉज और ये वर्ब रूट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, किसके साथ लिंक होगी, ये हमें देखना है। तो अगर आप देखें इस और इससे पहले अच्छी आदत पे आ जाएं, अगर हम कहते हैं मुताले अच्छी आदत है या वर्जिश अच्छी आदत है तो या बचत अच्छी आदत है, उस केस में उस सेंटेंस, इस सेंटेंस का रूट क्या होता। अभी हमने पिछले सेशन में देखा था कि रूट जो है इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ नाउन और उसका ये एडजेक्टिव होता है और वर्ब है, था या होगा, बी वर्ब या होना वर्ब की कोई फॉर्म होती है तो हम उन्हें कॉपुलर कंस्ट्रक्शंस कहते हैं और जो एडजेक्टिव है वो रूट होता है। तो आदत रूट है, एडजेक्टिव या नाउन जो होता है वो रूट होता है, जैसे पिछली एग्जांपल में वकील रूट था। तो यहाँ पर आदत जो नाउन है वो रूट है, तो आप देख लें आदत रूट है। आदत के साथ जो एडजेक्टिव अटैच है, एडजेक्टिव मॉडिफायर, वो अच्छी है। आदत के साथ जो कॉपुला अटैच है, ऑक्सिलरी है, वो भी है और पंक्चुएशन भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं किताबें पढ़ना पर। लेफ्ट पे, बिल्कुल लेफ्ट पे आप देखें तो पढ़ना वर्ब है और पढ़ना वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब ये किताबें पढ़ना खुद और पढ़ना वर्ब जो है वो सी सब्जेक्ट है आदत का। मैंने कहा था अगर ये मुताला होता, वर्जिश होता, बचत होता तो ये एन सब्जेक्ट होता आदत का, कि बचत अच्छी आदत है, तो एन सब्जेक्ट नॉमिनल सब्जेक्ट होता। यहाँ क्योंकि पूरी क्लॉज की बात हो रही है, ये क्लॉजल सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इस वजह से ये क्लॉजल सब्जेक्ट बन गया सी सब्जेक्ट। तो किताब पढ़ना अच्छी आदत है, सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है, इस किस्म के सेंटेंसेस में किताब पढ़ना या सिगरेट पीना जो है वो पीना और पढ़ना सी सब्जेक्ट होंगे आदत के। एक एग्जांपल आपने देख ली तो किसी भी सब्जेक्ट की जगह, नॉमिनल सब्जेक्ट की जगह क्लॉजल सब्जेक्ट आ सकता है, यानी हम किसी भी क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक मिसाल आपने देख ली। तो सी सब्जेक्ट इज जस्ट एक, आपके आपके पास एक सब्जेक्ट मौजूद होगा लेकिन वो सब्जेक्ट एक नाउन, प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन नहीं होगा जिसे हम नॉमिनल कहते हैं, बल्कि उसकी जगह वो एक क्लॉज होगी।
अच्छा आप कुछ और एग्जांपल्स देख लें, ये फिर एक सिंपल सेंटेंस है और फिर आप इसके वेरिएंट आएंगे। हामिद ने एक अहम बात बताई, हामिद ने एक अहम बात बताई। अब इसको अगर आप मॉडल करना चाहें तो कैसे मॉडल करेंगे? हामिद ने एक अहम बात बताई, इसमें कितने आर्गुमेंट हैं? हामिद ने एक आर्गुमेंट है, एक अहम बात दूसरा आर्गुमेंट है, और ये दोनों आर्गुमेंट हैं बताना वर्ब के जो बताई फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। तो हामिद ने सब्जेक्ट होगा, एक अहम बात ऑब्जेक्ट होगा बताई का। तो ये तो सादा सी मिसाल है आपके पास कि रूट वर्ब बताई है। सेकंड लास्ट में अगर आप देखें तो ये रूट, अगर आप यहाँ पर सेकंड लास्ट को देखें तो ये आपको बताई मिला। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? हामिद, और हामिद का केस मार्कर ने है। ऑब्जेक्ट क्या है? बात, और ऑब्जेक्ट के साथ कोई केस मार्कर नहीं लगा हुआ है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के एडजेक्टिव मॉडिफायर या एडजेक्टाइवल मॉडिफायर अहम है, और इसके साथ नंबर मॉडिफायर जो है वो एक है, यानी एक अहम बात, और पंक्चुएशन मौजूद है बताई के साथ। तो ये तो सिंपल सही एग्जांपल हम करते हुए आ गए हैं, लेकिन हम बताना वाले सेंटेंसेस को और किस तरह से कह सकते हैं? असल इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की है, असल इम्पॉर्टेंस ये है कि हम बताना वाले सेंटेंस को इस और किस तरह से कह सकते हैं। हामिद ने बताया कि आप आए थे, उसी तरह का सेंटेंस है। पहली बात ये कि इसमें दो क्लॉजेस हैं, हामिद ने बताया, एक क्लॉज है जिसका रूट जो है या जिसका हेड जो है उस वर्ब बताना है, और आप आए थे दूसरी क्लॉज है जिसका हेड जो है वर्ब आना है। तो हमारे पास दो क्लॉजेस हैं, और उनमें से जो मेन क्लॉज है वो हामिद ने बताया है, और उसके साथ फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आ रही है वो आप आए थे। तो पहले मेन क्लॉज को देख लें, हामिद ने बताया को आप किस तरह से मॉडल करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मॉडल करके आए हैं कि बताया रूट है, उसका सब्जेक्ट नॉमिनल सब्जेक्ट हामिद है, और केस ने है। अच्छा, क्लॉजल सब्जेक्ट भी हो सकता था, जैसे तूफान आने में, तूफान के आने ने बताया, तूफान आने ने बताया, अगर आप कहना चाहें तो तूफान आना जो है वो एक क्लॉजल सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन अभी आप हामिद ने बताया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन उसके आगे क्या चीज़ मौजूद है? कि आप आए थे, कि आप आए थे को आप किस तरह से मॉडल करेंगे, ये बात देखनी है कि आप आए थे किस तरह से मॉडल हो रहा है। कि आप आए थे सी कॉम्प, तो इस मॉडल करने के लिए हम जो रिलेशन नया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो नया डिपेंडेंसी रिलेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो सी कॉम्प है। अभी हमने एस कॉम्प तो देखा था, अब हम सी कॉम्प की बात कर रहे हैं, क्लॉजल कॉम्प्लीमेंट। थोड़ी दूर जाकर अभी हम देखेंगे 10 मिनट बाद कि सी कॉम्प और एस कॉम्प में फ़र्क क्या है, वो अभी आप थोड़ी देर में देख लेंगे। क्लॉजल कंपोनेंट क्या होता है? ही सेज दैट यू लाइक टू सिंग, तो ही सेज, और इसका सी कॉम्प क्या है? यू लाइक टू सिंग इसका सी कॉम्प है। अच्छा, कौन सी चीज़ें लिंक होंगी? सेज रूट है, और इससे अगली वाली क्लॉज का जो हेड है लाइक वो आके लिंक हो जाएगा। तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें लिंक हो रही हैं? आपके पास लिंक हो रहे हैं ये, आपके पास लाइक लिंक हो रहा है और सेज लिंक हो रहे हैं। लाइक जो दूसरी क्लॉज है उसका हेड है, और सेज पहले क्लॉज का हेड है। लाइक सी कॉम्प है सेज का, डेट वो वर्ड है जो इन दोनों को मिला रहा है। ये डेट किसके साथ लिंक होगा? ये डेट जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसके साथ लिंक होगा, यानी डेट इज अ चाइल्ड ऑफ लाइक। तो डेट इज अ मार्क, और इसे हम मार्क करते हैं। ही सेज, और हम डेट के बगैर भी कह सकते हैं, ही सेज यू लाइक टू स्विम,
यहाँ पे भी यू लाइक टू स्विम सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और सी कॉम और सेज, लाइक और सेज के दरमियान में सी कॉम डिपेंडेंसी रिलेशन मौजूद है। ये इंग्लिश की एग्जाम्पल हो गई, तो आप उर्दू में वापस आ जाए। हमारे पास क्या था, हामिद ने बताया कि आप आए थे। हामिद ने बताया को आपने मैप कर लिया था पहले, आप आए थे तो कहाँ गया, आप आए थे को किस तरह से देखेंगे, तो अब भूल जाए हामिद ने बताया को आपने स्किप कर दिया, कि आप आए थे इसे आप देखें। आए जो है वो रूट है, लेकिन ये रूट इस क्लॉज का तो रूट है, लेकिन पूरे सेंटेंस का रूट नहीं है। ये चाइल्ड है बताए का, और इसका बताना और आना के दरमियान या बताया और आए के दरमियान रिलेशन सी कॉम्प है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो, अब आए जो है वो खुद उसका सब्जेक्ट आप है, उसके साथ ऑक्सिलरी अटैच है थे, और पंक्चुएशन जो अटैच है वो फुल स्टॉप, और उसके बाद इसका मार्क के है। जैसे इंग्लिश में डेट मार्क था तो इसमें के मार्क है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये आई के साथ अटैच होता है, यानी जो सेकेंडरी आपके पास क्लॉज आ रही होती है उसके साथ अटैच हो जाता है मार्क। तो अब हम इन दोनों को मिला के देखते हैं। हामिद ने बताया कि आप आए थे, तो आपके पास पहले हामिद ने बताया, बताया रूट है यहाँ उसका सब्जेक्ट हामिद, और बताया का सी कॉम्प जो हो गया वो आना वर्ब हो गया, और ये जो आना या आए है इसका सब्जेक्ट आप है, इन इसका मार्क के है, यानी ये के है जो इसको पिछले क्लॉज से मिला रहा है, और इसके साथ ऑक्सिलरी है। तो ये हमारे पास सी कॉम्प का कॉन्सेप्ट है। हामिद ने बताया कि आप आए थे। एक मिसाल और देख लेते हैं। हामिद ने मुझसे कहा कि किताबें पढ़ो, ठीक है। हामिद ने मुझसे कहा कि, पहले मैं आपको सेंटेंस दिखा दूं, उसके बाद फिर हम इसे डील करने की कोशिश करेंगे। तो हामिद ने मुझसे कहा कि किताबें पढ़ो, ये भी उस तरह ही चीज़ है। आगे जाके हम एक्सकॉम्प में हम कहेंगे कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो किसी सब्जेक्ट को क्या करें, लेकिन यहाँ से बताना का मकसद ये था कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। उसकी एक वजह नहीं होगी जो आगे के एक्सकॉम्प में देखेंगे, उसके अलावा दूसरी वजह भी हो सकती है। तो हामिद ने मुझसे कहा कि किताबें पढ़ो। इसके दो हिस्से हैं। अगर आप खुद से देख डील करना चाहें तो ये देख लें कि पहले आपके पास है हामिद ने मुझसे कहा, कहा मेन वर्ब हो गया, रूट है, कहा का सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट जो है वो हामिद है, हामिद का साथ केस जो अटैच है वो नहीं है हामिद ने, मुझसे जो है ये ऑब्लिक कहलाएगा। कुछ जगहों पे इसे ऑब्जेक्ट भी कहा गया कुछ एनोटेशन में, लेकिन मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट हमें वही कहना चाहिए जो को मार्क्ड ऑब्जेक्ट हैं, ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उन्हीं को ऑब्जेक्ट कहना चाहिए और बाकी सारी चीज़ों को ऑब्लिक कहना चाहिए। तो ये पार्टिसिपेंट है लेकिन इसे मैंने ऑब्लिक मार्क किया है। ये एक ओपन क्वेश्चन है कि उर्दू में और साउथ एशियन लैंग्वेजेस में ऐसे जो सेकंड पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑब्जेक्ट मार्कर के साथ नहीं आ रहे, उन्हें हमें क्या लेना चाहिए, ऑब्लिक लें, आई ऑब्जेक्ट लें, बाज जहाँ पे आई ऑब्जेक्ट है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, ऑब्जेक्ट लें जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, या ऑब्लिक लें। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है। मेरा सोल्यूशन यह है कि इसे ऑब्लिक के तौर पर डील करना चाहिए। तो मुझ जो पार्टिसिपेंट है, क्योंकि कहा गया तो किसी से जिससे कहा गया वो भी एक पार्टिसिपेंट है, वो भी एक आर्गुमेंट है, तो मुझे एक आर्गुमेंट है, और उसके साथ जो केस अटैच है वो से अटैच है। तो ये हामिद ने मुझसे कहा वाली बात हो गई। अब इसका जो दूसरा हिस्सा किताबें पढ़ो, पढ़ो रूट है, और ये पढ़ो इस क्लॉज का रूट है, और ये वैसे ये सी कॉम के साथ अटैच है, सी कॉम के रिलेशन में कहा के साथ अटैच है। तो पढ़ो इस सी कॉम्प ऑफ कहा, पढ़ो का ऑब्जेक्ट किताबें हैं, मार्क जो इन दोनों क्लॉजेस को मिला रहा है वो के है, और मार्क हमेशा सेकंड वाली क्लॉज के साथ आता है। इस किताबें जो है ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। सब्जेक्ट क्यों मिसिंग है,
क्योंकि जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इंग्लिश में रीड द बुक्स कहें या उर्दू में किताबें पढ़ो कहें, तो सेकंड पर्सन जिसे ऑर्डर कर रहे होते हैं वो उसे कहते नहीं हैं, यानी यू रीड द बुक्स नहीं कहते या तुम किताबें पढ़ो नहीं कहते। तो इसका ऑब्जेक्ट इस वजह से मिसिंग है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वैसे मॉर्फोलॉजी के हिसाब से जो पढ़ो तुम के साथ आता है या होता आप किताबें पढ़ें, हामिद ने हमसे कहा कि आप किताबें पढ़ें, तो वो वाली बात होती। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस में वर्ब सब्जेक्ट मिसिंग इसलिए होता है कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है। अच्छा, सबऑर्डिनेटरी क्लॉज हैज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, हेंस इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट। ये एक्सप्लेन कर दिया। तो आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज की मेन क्लॉज क्या है, हामिद ने मुझसे कहा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, किताबें पढ़ो। तो आपके पास सी कॉम्प की एक और एग्जांपल भी आ गई। सी कॉम्प और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? सच क्लॉजल कंपोनेंट्स में भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मकसद यह है कि उसमें टेंस मौजूद हो जैसे पिछले, और नॉन फाइनाइट में टेंस मौजूद नहीं होगा। तो बॉस सेड टू स्टार्ट डिगिंग और वी स्टार्टेड डिगिंग। अच्छा, वी स्टार्टेड डिगिंग में डिगिंग कौन कर रहा है? एक्स कॉम्प हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब जो दूसरी वाली क्लॉज है उसका सब्जेक्ट वही होता है जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है। सी कॉम्प में या तो उसका अपना सब्जेक्ट होता है या हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता सेकंड क्लॉज का, या तो सेकंड क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होता है या हमें नहीं पता होता कि सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है और किसके साथ लिंक है। एक्स कॉम्प उस सूरत में यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि ये किसके साथ लिंक है। तो अब आ जाए एक्स कॉम्प की नई एग्जांपल। मैंने किताब पढ़ना शुरू की। पहले तो ये देख लें मैंने इसमें क्या क्या हो सकता था। मैंने मुताला शुरू किया, मैंने वर्जिश शुरू की, मैंने बचत शुरू की। अगर ये सारी चीज़ें होती तो मैंने सब्जेक्ट होता, बचत या वर्जिश जो है वो ऑब्जेक्ट होती और शुरू करना एक कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट। उसकी जगह हमारे पास एक एक्स कॉम्प एक क्लॉज मौजूद है। तो क्लॉज को हम कॉम्प्लीमेंट के थ्रू या जो हमारे पास सेकंड कॉलम में चीज़ें गिवन थी एडवर्बियल क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट, इनमें से किसी के जरिए मॉडल करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने किताब पढ़ना शुरू की। किताब पढ़ना को अगर वैसे देखेंगे तो किताब पढ़ना ना में पढ़ना का ऑब्जेक्ट किताब होगा। पहले तो इंडिविजुअली देख लें, शुरू करना से स्टार्ट कर दें, शुरू की। शुरू करना एक कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट है जो हमने दो तीन वीक्स पहले देखा था। करना रूट है और उसके साथ कंपाउंड रिलेशन में शुरू मौजूद है, तो शुरू करना मिलके कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट बन जाता है। नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट। इसकी का सब्जेक्ट जो है वो मैं है, इस ठीक है, ये वाली बात होगी। अच्छा, अब इस और दूसरी बात अब आ जाते हैं किताब पढ़ना पर। किताब पढ़ना में पढ़ना जो है उसका ऑब्जेक्ट किताब है, ये वाली बात भी होगी। अब पढ़ना और मेन प्रेडिकेट और पढ़ना के दरमियान में क्या रिलेशन है, इनके दरमियान में एक्स कॉम डिपेंडेंसी रिलेशन है। क्यों एक्स कॉम डिपेंडेंसी रिलेशन है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट, किताब पढ़ने का सब्जेक्ट जो है वो वही सब्जेक्ट है जो आपकी मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है। तो ये एक्स कॉम रिलेशन बन गया, यानी आप कह रहे हैं कि इन दोनों का सब्जेक्ट सेम है, यानी वो कंट्रोल हो रहा है। सी कॉम्प में कंट्रोल होना लाजमी नहीं है और यहाँ पे कंट्रोल लाजमी है कि पढ़ना का सब्जेक्ट मेन क्लॉज से पता चल रहा है कि पढ़ना का सब्जेक्ट क्या होगा। लाजमी नहीं कि वो सेकेंडरी क्लॉज यानी किताब पढ़ना का सब्जेक्ट मेन क्लॉज का सब्जेक्ट ही हो, वो मेन क्लॉज का कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है किसी और सिनेरियो में, लेकिन वो कंट्रोल हो रहा है मेन क्लॉज से।
एक्सकॉम में हम वो क्लॉजेज रखते हैं जिनका सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता उन क्लॉज के अंदर, बल्कि वो कंट्रोल हो रहा होता है मेन क्लॉज से। मैंने किताब पढ़ना शुरू की, ये एग्जांपल आपके सामने आ गई। अच्छा, अब आज की लास्ट चीज एडवर्बियल क्लॉज। अभी तक हमने जो देखा था, और पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लॉजल सब्जेक्ट, ये भी कोर आर्गुमेंट है, सब्जेक्ट की जगह आता है। सी कॉम्पा एक्स कॉम्पा भी कोर आर्गुमेंट है, यानी वर्ब को इस पार्टिसिपेंट की जरूरत होती है। यानी हम वर्ब की बात करें बताना, तो ये होता है कि किसने बताया और क्या चीज़ बताई और किसको बताया। तो क्या चीज़ बताई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ सकता है और सी कॉम्प की फॉर्म में भी आ सकता है। फिर शुरू करना हमने देखा था, तो शुरू करना का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक एक्स कॉम्प भी हो सकता है कि क्या चीज़ शुरू की। अब इसके बाद फिर हम नॉन कोर डिपेंडेंट्स पे आ जाएंगे। यानी ये आर्गुमेंट नहीं है, लाजमी नहीं कि सेंटेंस में ये, अगर हम मैं कहूँ शुरू करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या चीज़, कौन सा इवेंट शुरू किया, या आपको सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। लेकिन ये क्लॉजेज हैं जो आपको उस पूरे क्लॉज के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, और ये बिल्कुल एडवर्ब जिस तरह एडवर्ब नॉर्मली टेम्पोरल और स्पेशल नॉलेज दे रहा होता है, तो ये भी कुछ ना कुछ एडवर्बियल इंफॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं। लेकिन क्लॉज को हम एडवर्बियल क्लॉज की फॉर्म में जाहिर करते हैं। जब हम एडवर्बियल मॉडिफायर की भी बात कर रहे थे, तो हम वहाँ पे हमने देखा था कि डिपेंडेंसी, यूनिवर्सल डिपेंडेंसी में एडवर्ब्स का नाम बहुत कम ही रख दिया गया है कि डायरेक्टली एडवर्बियल एडवर्ब मॉडिफायर रिलेशन हो, या तो उसे, या इस केस में उसे एडवर्बियल क्लॉज कह दिया गया है, दूसरे वाले केसेस में उसे नाउन मॉडिफायर या ऑब्लिक कह दिया गया है। तो एडवर्ब की बहुत रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स, यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में। एडवर्बियल क्लॉज के एग्जांपल्स देख लें। द एक्सीडेंट हैपेंड, ठीक है, बस हमें पता चल गया एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। उसके बाद उसकी टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन, एस नाइट वॉज फॉलिंग, ये टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन है, ये ना भी देते तो भी हमें पता था कि हादसा हुआ है, ये काफ़ी था। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है इसके साथ, नहीं तो हैपन और फॉलिंग के दरमियान में एडवर्बियल क्लॉज है। यू नो हु डिड इट वाली बात आपको पता है, नो के साथ एक सब्जेक्ट है, क्या पता है और क्या, लेकिन यू शुड टेल द टीचर, ये इफ देन रिलेशन में जो दूसरा वाला होगा वो एडवर्बियल क्लॉज होगी। ही टॉक टू हिम इन ऑर्डर टू सिक्योर द अकाउंट, ही टॉक टू हिम काफ़ी है इंफॉर्मेशन, किस मौजू पे बात हुई, इन ऑर्डर टू सिक्योर द अकाउंट, ये एडवर्बियल क्लॉज बन गई। ही वॉज अपसेट वेन आई टॉक टू हिम, तो ही वॉज अपसेट, जैसे हमने कहा था ही वॉज रिच वाली बात हो गई थी, शी वॉज, शी इज़ इंटेलिजेंट वाली बात हो गई थी, तो ही वॉज अपसेट काफ़ी है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि अपसेट रूट है, उसका सब्जेक्ट ही है। लेकिन ये कब अपसेट के बाद जो मजीद इंफॉर्मेशन, जो एडवर्बियल इंफॉर्मेशन है, वेन आई टॉक टू हिम, वो इसके साथ एडवर्बियल क्लॉज के रिलेशन में है। और एडवर्बियल क्लॉज में ये होता है कि जो एडवर्बियल क्लॉज का वर्ब है, हेडवर्ब वर्ब है, वो जाके पिछले वाले क्लॉज के हेड से कनेक्ट हो जाता है एडवर्बियल क्लॉज रिलेशन में। तो ये तो इंग्लिश की कुछ एग्जांपल्स थी ताकि आप देख सकें। अब आ जाते हैं कि हमारी एग्जांपल्स, वो गाड़ी चलाकर आया, तो वो गाड़ी चलाकर आया, अगर इसमें देखें कि मेन कंटेंट्स जो मौजूद हैं वो आया, आया का सब्जेक्ट वो है, और इसके बाद पार्टिसिपेंट और कोर आर्गुमेंट्स, इसमें अगर कोई और आएगा जो इस सेंटेंस में नहीं है, तो वो घर से आया में घर से एक आर्गुमेंट हो सकता है, बहस हो सकती है इस पर, वो घर आया में घर एक आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन किस तरीके से आया वो इसका आर्गुमेंट नहीं है। यानी आना वर्ब जो है उसके साथ हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, ज़्यादा एक्सटेंड करें तो सोर्स और डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि कहाँ से चला था और कहाँ पहुँचा, उसके बाद बाकी सारी इंफॉर्मेशन एडवर्बियल इंफॉर्मेशन होती है। तो वो गाड़ी चलाकर आया, उसमें गाड़ी चलाकर एक एडवर्बियल इंफॉर्मेशन है और ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। अच्छा,
तो आना आया रूट है उसका, सब्जेक्ट वो है, और उसके बाद फिर गाड़ी चलाकर, गाड़ी जो है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब चलाने का, तो चलाना गाड़ी चला के एक एडवर्बियल क्लॉज है, चला लिंक्ड है आया के साथ एडवर्बियल क्लॉज रिलेशन में, चला का ऑब्जेक्ट गाड़ी है, और जो मार्क वहाँ पे हमने देखा था के जो है, यहाँ पर जो दोनों क्लॉजेस को मिला रहा है वो कर है, जिसे ऑक्सिलरी के तौर पे मॉडल किया गया है यहाँ पर, जो हमारे पास कॉर्पस अवेलेबल है उसमें, वरना हम इस कर को एक और चीज़ भी बना सकते हैं, एक नया पार्टिकल भी बना सकते हैं, और इसके मुताबिक सोच सकते हैं कि कैसे एडपोजिशन बनाएं, लेकिन हम ऑक्सिलरी कर की बात हो गई, और ये मार्क है, यानी मार्क नॉर्मली एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से मिला रहा होता है, या क्लॉज के ऊपर एक मार्क मौजूद होता है, तो वो गाड़ी चलाकर आया में चलाकर, गाड़ी चलाकर एक क्लॉज है, और ये एडवर्बियल क्लॉज है वो आया क्लॉज की। कौन गाड़ी चला रहा था ये इस क्लॉज में मौजूद नहीं है, ये आपको मेन क्लॉज से पता चलेगा, और इस केस में मेन क्लॉज का सब्जेक्ट गाड़ी चलाने का भी सब्जेक्ट है, यानी वो जो है वो आया का भी सब्जेक्ट है, और वो जो है ना वो चलाना का भी सब्जेक्ट है। तो हम कहेंगे कि चलाना का सब्जेक्ट बाहर वाली क्लॉज से या मेन क्लॉज से कंट्रोल हो रहा है। डॉक्टर ने मरीज को दौड़ते हुए देखा। एक और एग्जांपल इस तरीके की, और आपको यहाँ से कुछ एम्बिग्यूटी की भी एग्जांपल नज़र आ जाएगी। डॉक्टर ने मरीज को दौड़ते हुए देखा। सब्जेक्ट डॉक्टर ने, मरीज को ऑब्जेक्ट हो गया, फिर एडवर्बियल क्लॉज दौड़ते हुए हो गया, और जो प्रेडिकेट है या रूट है वो देखा है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब ये बड़ा सा सिस्टम आप देख लें, देखा रूट है, उसका सब्जेक्ट डॉक्टर एंड सब्जेक्ट, फिर आप आ जाएं मरीज, ऑब्जेक्ट है देखा का, और एडवर्बियल क्लॉज दौड़ते हुए है। यहाँ तक हमें चीज़ें पता चल गई। अब सवाल क्या है, और कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं जो मैं बार बार रिपीट नहीं करता कि नहीं जो है वो केस है डॉक्टर का, वो हमारे पास है। अच्छा, इस सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है या कोई एम्बिग्यूटी नज़र आ रही है? दौड़ कौन रहा था? डॉक्टर ने मरीज को दौड़ते हुए देखा, क्या डॉक्टर भाग रहा था या मरीज भाग रहा था? तो ये एम्बिग्यूटी मौजूद है। हमने क्या किया, एडवर्बियल क्लॉज बना दी है, तो डॉक्टर ने सब्जेक्ट है, मरीज को ऑब्जेक्ट है, और दौड़ते हुए है, लेकिन दौड़ते हुए का सब्जेक्ट क्या है हमें नहीं पता। इसको दो तरीकों से डील किया जा सकता था। डॉक्टर ने मरीज को दौड़ते हुए देखा, इस केस में क्या होगा, डॉक्टर ने दौड़ते हुए, यानी दौड़ जो रहा है वो डॉक्टर रहा है, या डॉक्टर ने मरीज को दौड़ते हुए देखा उसमें दौड़ मरीज रहा है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसमें ये दोनों एम्बिग्यूटीज मौजूद हैं, यानी ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। बाद में इन्हांस डिपेंडेंसीज के साथ या कोई और किसी और तरीके से हम ये बता सकते हैं कि दौड़ कौन रहा था, वरना अभी ये एम्बिगुअस बात है कि इन दोनों में से कौन दौड़ रहा है। तो ये हमारे पास सेशन आज का ख़त्म हो गया। इसमें हमने उन एग्जांपल सेंटेंसेस को डील किया जिनमें वर्ब और वर्ब के दरमियान में डिपेंडेंसी रिलेशन बन रहा था। नेक्स्ट टाइम हम आ जाएंगे उन रिलेशंस पर, नाउन के रिलेशंस पर आ जाएंगे, और जिसे आमतौर पर नाउन फ्रेज कहते हैं, क्या हमारे पास नाउन के साथ एडजेक्टिव का क्या रिलेशन है, नाउन के साथ डिटरमाइनर का क्या रिलेशन है, तो हम नाउन फ्रेजेस पे
पर फोकस करेंगे और नाउन फ्रेजेस का फिर को देखेंगे, तो नेक्स्ट सेशन शायद हमारा लास्ट सेशन होगा। उसके बाद अगले सेशन में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में, मैं हो सकता है कुछ सवालात सामने रखूं कि ये चीज़ें हैं जिन्हें हमें मॉडल करना है और हम किस तरह से मॉडल करें। अच्छा, जो चीज़ें भी मैंने डिस्कस की हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक सही है, लेकिन अगर आप को लगे कि इस फला चीज़ को इस तरीके नहीं से मॉडल नहीं करना चाहिए था, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कभी भी इसे लेक्चर नहीं कहा, मैंने डिस्कशन कहा है कि मेरे हिसाब से ये रिलेशंस हैं और इससे इसका मॉडल होना चाहिए, लेकिन कोई एक पॉइंट ला सकता है सुनने वाला कि इस पॉइंट को यूँ नहीं डील करें और यूँ डील कर लें। तो ये अभी इनमें से बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो भी रिकॉर्डेड होगी और मैं कोशिश करूँगा एक हफ्ते के अंदर अंदर अपलोड कर दूँ, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या चीज़ें नहीं हुई वो कवर किस तरह से डील करेंगे।